तो चलिए डॉक्टर्स, हम अपनी हेयर फॉल की जो विमेन में स्पेशली कंडीशन है उसके लिए अपनी थर्ड वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम इस वीडियो में चार रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारी रेमेडी आती है हेयर फॉल के लिए, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है आपकी नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में क्या होगा कि अगर आप बालों को टच भी करते हो ना तो वो झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको फोरहेड में दिखेगी, यहाँ पे भी जो भी दिखेगा ना, तो हेयर फॉल ऑन टचिंग। स्पेशली इन फोरहेड, तो जिन लोगों के हेयर फॉल हो रहा है स्पेशली फोरहेड वाले पोर्शन में से, उनके लिए नेट्रम्यूर बहुत अच्छी रेमेडी। और कहते हैं कि जी सर पे हाथ फेरते हैं ना तभी ऐसा लगता है बाल टूट के हाथों में आ गए हैं, है ना। स्कैल्प इनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी इनका हेयर फॉल ना चाइल्ड बर्थ के बाद होता है कई लेडीज़ में हेयर फॉल, स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एक्चुअल में क्या होता है ना, चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और हाइजीन की भी कमी आ जाती है, उस वजह से हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखते हैं तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा, और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आपको ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा, चाइल्ड बर्थ के बाद आएगा इनमें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो हेयर्स जो होते हैं ना वो बंचेज में बाहर निकलते हैं जब भी आप कंघी करोगे, है ना, और इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ जाता है। तो डिलीवरी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है फीमेल्स में, तो हेयर कम्स आउट इन बंचेज। जब कॉम्बिंग करेंगे ना तो बंचेज में गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं लेडीज़ के, गंजी हो जाती है ऑलमोस्ट डिलीवरी के बाद कई फीमेल्स, ठीक है। तो बंचेज में आएंगे आपके विन कॉम्बिंग, और एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा रीज़न है इसका। तो अगर आप देखोगे डिलीवरी के बाद ये सारी कंडीशंस होनी जायज़ होती हैं किसी भी फीमेल के साथ, है ना, तो आप रेमेडी दे सकते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज़ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं, आप डिलीवरी से पहले भी दे सकते हैं, डिलीवरी के बाद भी दे सकते हैं, ये एज अ रेमेडी आपका अच्छा काम करेगी नेट्रम्यूर। इसके बाद जो आपकी रेमेडी आती है वो आती है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छी रेमेडी है हेयर फॉल के लिए। हम इतनी सारी रेमेडीज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर किसी हेयर फॉल के पीछे एक कारण है, ठीक है, और कंडीशन है। किसी का हेयर फॉल कहीं से हो रहा है, किसी का किसी वजह से हो रहा है, तो रेमेडी आपको उसके साथ मैच करनी चाहिए। होम्योपैथी जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वहाँ पे आपकी रेमेडी और आपके जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम रैंडम उठा के किसी को कोई दवाई नहीं पकड़ा देंगे। हम जो रेमेडीज़ देंगे वो पेशेंट के टोटैलिटी के बेसिस पे देंगे, जो उनकी एटलीस्ट हेयर कंप्लेंट्स हैं उनके हिसाब से। अभी फॉस्फोरिक एसिड की हम बात करेंगे तो इसमें हेयर लॉस जो होता है वो ग्रीफ और मेंटल शॉक्स की वजह से आता। आपने कभी देखा होगा कि सडनली जैसे किसी को कोई मेंटल शॉक है या कोई ग्रीफ हो गई हो, कोई बड़ा झटका लगा हो, किसी की डेथ हो गई हो फैमिली में, तो जो जवान जवान बच्चे होते हैं उनमें भी हेयर लॉस आता है। तो हेयर लॉस आफ्टर, बहुत अच्छी रेमेडी है ये, आपको ऐसे पेशेंट बहुत मिलेंगे, तो उनको आप फॉस्फोरिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके पीछे हार्मोनल तो है नहीं कुछ, है ना, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है, एक इमोशनल डिस्टरबेंस है। तो हेयर लॉस आफ्टर ग्रीफ एंड मेंटल शॉक फॉस्फोरिक एसिड आपकी रेमेडी जाएगी। और जो हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाएंगे और ग्रे होंगे टाइम से पहले, तो हेयर जो होते हैं वो थिन हो जाएंगे प्लस ग्रेइंग होने लग जाएगी, ब्रिटल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये। ब्रिटल का मतलब बहुत नाजुक हो जाएंगे, टूट जाते हैं बहुत इजीली, पतले पतले बाल हो जाएंगे, ठीक है। और हेयर फॉल इसमें जैसे फीवर के बाद भी हो रहा हो तो हेयर फॉल आफ्टर फीवर। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें पेशेंट में कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, और उनके हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारी बहुत अच्छी रेमेडी है फास्फोरस। फास्फोरस में जो हेयर फॉल होता है वो बंचेस में होगा बट स्पॉट्स पे से होगा, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है फास्फोरस में भी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है आपका बंचेस में है और स्पॉट्स में होगा, एक जगह से एक साथ बहुत सारे बाल उड़ गए। बंचेस में कहते हैं जी यहाँ से गंजा निकल गया, यहाँ से गंजा निकल गया, है ना, तो ये है। राउंड पैचेस आ जाते हैं स्कैल्प के ऊपर गंजेपन के, राउंड पैचेस ऑन स्कैल्प,
कहते हैं चांद सा निकल आया जी सर के ऊपर, फॉस्फोरस आपकी रेमेडी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और जो बालों की जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई दिखेंगे, जैसे बाल जब उखड़ेगा ना तो रूट्स बहुत ड्राई होती हैं। रूट्स ऑफ हेयर्स बहुत ड्राई होंगी, ठीक है। और जो स्कैल्प है उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होगी और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगी, तो इचिंग एंड डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी आपकी, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल होना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जो भी आपको यहाँ पे अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तो फास्फोरस उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद जो हमारी रेमेडी आती है चौथी, वो है सीपिया। सीपिया जो है इसमें हेयर लॉस स्पेशली होगा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो हेयर लॉस ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। अगर हम सीपिया को देखते तो एक फीमेल रेमेडी होती है, तो आप कंडीशंस लगा सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे क्लाइमेट्रिक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है सीपिया, सबने पढ़ी है। तो क्लाइमेट्रिक होता है चेंज ऑफ लाइफ, आपके पीरियड्स आना शुरू हुए हैं यानी प्यूबर्टी हुई है, उसको भी हम क्लाइमेट्रिक में काउंट करते हैं। आपका जो डिलीवरी हुई है वो भी क्लाइमेट्रिक है रिप्रोडक्टिव एज में, और जो आपके मेंसेस जाना बंद हो जाते हैं एकदम मेनोपॉज जब आ जाता है उसको भी क्लाइमेट्रिक में काउंट करेंगे। तो सीपिया ना मेनोपॉज के बाद जो आपका हेयर लॉस होता है उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो ओल्ड एज लेडीज़ हैं जिनमें लगता है कि मेनोपॉज हुआ है उसके बाद से जी बहुत हेयर लॉस होने लग गया है, प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे इनमें भी हेयर फॉल देखने को मिलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है ना, डिलीवरी के बाद और लैक्टेशन पीरियड में, एंड लैक्टेशन पीरियड। तो ये है आपका सीपिया। ओवरऑल फीमेल की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से उनकी बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से हेयर लॉस पेशेंट को झेलना पड़ता है। तो ये आपकी चार रेमेडीज़ थी, हमारा थर्ड पार्ट था जिसमें हमने हेयर लॉस किया है, हेयर फॉल किया है स्पेशली फीमेल्स के अंदर। एक नेक्स्ट पार्ट हमारा फाइनल पार्ट रहता है जिसमें हम और चार अच्छी रेमेडीज़ करेंगे हेयर फॉल के लिए। थैंक यू सो मच।